आज हम लोग भारतीय संविधान जो हो आपका सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, और फर्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, फर्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारी भारतीय संविधान के बारे में जो हो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या आपका संविधान क्या है, इसकी क्यों हमें जरूरत पड़ी और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो हो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है भारतीय संविधान की। जैसा आप सभी को पता है कि अंग्रेज लगभग आपके 150 से 200 साल जो आपके हिंदुस्तान में उन्होंने राज किया, और हिंदुस्तान में सबसे पहले आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो उन्होंने भारत में जो राज किया, और 1773 से लेकर 1857 तक आपका 1857 की जैसे पहली क्रांति हुई उसमें आपका कंपनी रूल जो भारत में आपका चलता था। 1857 के बाद जो है आपका 1947 तक का आपका भारत में जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उसने पूरे के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है खत्म करके फिर भारत में जो है 1858 से लेकर 1947 तक जो है आपका क्राउन रूल जो है फिर शुरू कर दिया। इसको हम अगले लेक्चर में जो हो आपकी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार संविधान है क्या। संविधान एक ऐसा सेट ऑफ रूल है, एक ऐसा दस्तावेज है नियमों का, जिसके दायरे में रहते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हो आपकी काम करती है, और जो रूल और रेगुलेशन जो बने होते हैं उसी के दायरे में रहते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्टेट है, आपका कंट्री है, या कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन है, उन पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के दायरे में रहते हुए, नियमों के दायरे में रहते हुए वो अपना काम को अंजाम देती है। तो ये था हमारा भारतीय संविधान की आपकी डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि जब आपका देश आजाद होना था तो देश के आजादी मिलने से पहले आपका जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, जो लास्ट गवर्नमेंट अंग्रेजों द्वारा जो गठित की गई थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अंतिम जो सरकार थी वो आपका 1946 में जो आपकी गठित की गई थी, उसमें जो सदस्य थे आपके उसमें सबसे पहले आपका जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पास आपका कॉमनवेल्थ रिलेशन, राष्ट्रमंडल खेल और एक्सटर्नल अफेयर, जिनको आप विदेश मामले बोलते हैं वो जिम्मा जो है उनको दिया गया था। दूसरा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एग्रीकल्चर एवं फूड, कृषि और खाद्य जो आपका डिपार्टमेंट था ए इनके पास था। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति ए डिपार्टमेंट इनको दिया गया था। सरदार पटेल इनके पास ए गृह मंत्रालय और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो इनको ब्रॉडकास्टिंग का जो है जिम्मा दिया गया था। जगजीवन राम जो हो आपका इनको लेबर वाला डिपार्टमेंट जो आपका श्रम जिसको बोलते हैं वो दिया गया था। सी राजगोपालाचारी इनके पास आर्ट एंड एजुकेशन, जो शिक्षा और जो कला का दायित्व था वो सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। जोगिंद्रनाथ मंडल को आपका विधि लॉ का लॉ मिनिस्टर जो है इनको बनाया गया था, पूरे लॉ और कानून के व्यवस्था को देखना वो इनके जिम्मे था। लियाकत अली खान ये हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले पहले आपके वित्त मंत्री थे, इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो है जिम्मा दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को पूरे हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी का जिम्मा था, डिफेंस सेक्टर से जितने भी जो रिलेटेड चीज़ें थी उनका दायित्व जो आपका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार बलदेव सिंह जी के हाथों में दी गई थी। तो पहला जो आपका अंतरिम जो सरकार थी 1946 में आपकी गठित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और जैसे ही आपका 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए काफ़ी संघर्ष के बाद, और उसके बाद जो आज़ादी के बाद पहला जो आपका मंत्रिमंडल बना उसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आज़ादी के बाद पहली जो कैबिनेट बनी वो 1947 में आपकी गठित की गई थी, उसमें सबसे पहला जो आपका मेंबर थे नेहरू जी,
उनको प्रधानमंत्री जो आपका घोषित किया गया, और राष्ट्रमंडल जितने भी जहां जहां अंग्रेजों ने जिन जिन कंट्रियों में जो राज किया था उनके साथ किस तरह का जो है व्यवहार होना चाहिए हिंदुस्तान का, वो जिम्मा भी आपका नेहरू जी को दिया गया था आजादी के बाद। और इनके पास जितना भी जो वैज्ञानिक से रिलेटेड, जितना भी आपका साइंटिफिक से रिलेटेड जितने भी जो काम होते थे वो भी जिम्मेदारी जो इनके पास थी। विदेश मामले, पड़ोसियों के अन्य देशों के साथ हमारे कैसे जो है रिलेशन होने चाहिए, क्या हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, वो भी आपका नेहरू जी के पास थी। तो नेहरू जी जैसा आप सभी को पता है कि बहुत लंबे समय तक, लगभग 17 सालों तक जो वो आपके हिंदुस्तान के जो है प्रधानमंत्री रहे थे, 1947 से लेकर 1963 तक जो वो आपके हिंदुस्तान के सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरे हम लोग बात करेंगे सरदार पटेल की। सरदार पटेल जो है इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गुजरात के रहने वाले हैं, और इनको होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण और राज्यों के साथ कैसे आपके रिलेशन होने चाहिए सारे की सारी जिम्मेदारी जो हो आपकी पटेल जी को दी गई थी। और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हमारे हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन जो है मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, खाद्य एवं कृषि मंत्री जो हो इनके पास दिया गया था, लेकिन जैसे हमारा संविधान फिर लागू हुआ तो उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति होने का गौरव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। उसके बाद जॉन मथाई, इनके पास रेलवे और ट्रांसपोर्ट का जो जितना भी सिस्टम है कार्यभार आजादी के बाद इनको दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो किसी चीज़ के ऊपर नजर जाती है संविधान के योगदान के लिए वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मोस्ट एजुकेटेड पर्सन थे इंडिया के अपने टाइम के, और संविधान को बनाने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है जिसको बुलाया नहीं बुलाया जा सकता। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है लॉ मिनिस्टर जो आज़ादी के बाद बनाया गया था, और इनको संविधान का जो है फादर भी कहा जाता है, और इसको मॉडर्न मनु या आधुनिक मनु की संज्ञा भी जो आपकी दी जाती है। उसके बाद हम लोग जगजीवन राम के बारे में बात करेंगे, इनके पास जो है लेबर डिपार्टमेंट था। राजकुमारी अमृत कौर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। और राजकुमारी अमृत कौर जो थी हमारे हिमाचल प्रदेश मंडी जिले की जो आपकी पहली लोकसभा सांसद थी, और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की पहली स्वास्थ्य मंत्री होने का जो आपकी इसको गौरव प्राप्त है डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर को। आगे हम लोग बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास जो जिम्मा था वो था उद्योग एवं आपूर्ति का। सी एच भाभा, इनके पास जो हो आपकी कमर्शियलाइजेशन, वाणिज्य से रिलेटेड जितना भी आपका जो एक्टिविटी थी वो इन्हीं के पास था। और बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, इनके पास आज़ादी के बाद जो हो आपका रक्षा मंत्रालय का जो हो आपका जिम्मा था, पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा, बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखना वो सारा का सारा जो है बलदेव सिंह जी के कंधों में था। तो ये पूरे इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन ऑफ भारतीय संविधान उसको समझने का प्रयास किया, आज़ादी से पहले जो हमारा मंत्रिमंडल था किन किन के कंधों में कौन कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और आज़ादी के बाद पहला जो आपका मंत्रिमंडल था किन किन लोगों के पास क्या क्या चीज़ें दी गई थी, इस पूरे वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको पूरे डाउट जो है क्लियर होंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।